अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार हूँ और मैं आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। फरवरी के महीने में मुल्तानी मिट्टी को इस तरीके से चेहरे पर लगाएं कि चेहरा ट्यूबलाइट की तरह दमके। आज मैं आपको बता रही हूँ मुल्तानी मिट्टी से रंग को तेजी से गोरा करने का एक बहुत ही जबरदस्त और तीर बहादुर नुस्खा। ये जो रेमेडी है ये आपके चेहरे को बहुत ही ज्यादा ब्राइट और फेयर बना देगी। आपने करना ये है कि आप ले लें एक अदद टमाटर, लाल टमाटर और आधा आलू ले लें। इनको आपने धोकर छील लेना है आलू को, और टमाटर की आपने ये जो टमाटर के ऊपर ये छिलका है इसको नहीं उतारना, सिर्फ आलू को छील लें। ब्लेंडर में आपने इनका पेस्ट बना लेना है। आपने इसमें पानी नहीं मिलाना, सिर्फ पेस्ट इसका बनाएं अच्छी तरह से ब्लेंड करके। इसके बाद आप ये करें कि छलनी में छान लें और रस अलग कर लें। रस आप अलग कर लें और इसका जो गूदा है वो अलग कर दें। हमें इसका सिर्फ रस चाहिए, टमाटर और आलू का प्योर रस। अब इस रस में आपने आधा चम्मच बेसन और आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है। मुल्तानी मिट्टी को आप अच्छी तरह से पीस लें, ग्राइंड कर लें, इसका डला ले लें, ग्राइंड करके अपने पास रख लें। ये खालिस इसका पाउडर है तो बेसन भी खालिस होना चाहिए। इनको अच्छी तरह से मिक्स करें रस के अंदर, और आधा चम्मच ही इसमें शहद भी ऐड कर दें। शहद अगर खालिस हो तो बहुत बेस्ट चीज है, अगर नहीं है तो आप किसी अच्छी कंपनी का ले लें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। ये रेमेडी हमारी तैयार है। ये बहुत ही बेमिसाल और बहुत ही पावरफुल रेमेडी तैयार हुई है जो कि आपके चेहरे को बहुत फेयर बना देगी। आपने ब्रश की मदद से ये चेहरे पर लगाना है इसको, इस पेस्ट को। ये एक फेस मास्क है जो कि स्किन की ब्राइटनेस को इंक्रीज करेगा। 20 मिनट तक इसको लगाए रखें। इसके बाद अपना जो चेहरा है वो वॉश कर दें सादा पानी से, फ्रेश वाटर से। हफ्ते में आपने कम से कम दो बार ये फेस मास्क इसी तरीके से बनाना है और अपने चेहरे पर लगाना है। ये लगाने से इंशाल्लाह ताला आपका रंग बहुत ज्यादा गोरा होगा, आपके चेहरे पर फेशियल जैसा निखार आएगा, ट्यूबलाइट की तरह आपका चेहरा दमकने लगेगा। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।